2019 में हमला हुआ, पूरा देश समझ गया कि हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ जी। उस पर हमने गीत भी गाया था कि पुलवामा हमले का जिम्मेदार कौन। हाँ, वो तो मिलियन में चला था वो गीत। एक गीत हमने और गाया कि पुलवामा हमले का पर्दाफाश जी, समय समय से अपने देशवासियों को और अपने देश के नौजवानों को ससम्मान पूर्वक मैं संदेश को देता रहता हूं और मैं बार बार इस बात को कहता हूं सरकार से, सरकार में बैठे लोगों से, चाहे सरकार किसी की भी हो, इस देश की सरहदें तब तक सुरक्षित हैं जब तक गांव के किसान का बेटा उस बर्फीली जमीन पर हाथ में तमंचा लेकर के बारूद की ढेरों पर देश की हिफाजत करता है, तब हमारे देश के राजनेता चैन से एसी में सोते हैं। और देश के नौजवानों के साथ और देश के किसानों के साथ जी। एक बात कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, बहुत सारे प्रमाण मेरे पास हैं, तो न देश की सरहदें सुरक्षित रहती है, न देश का जवान सुरक्षित रहता है और ना ही देश का किसान सुरक्षित रहता है। गालबानी गालबान घाटी में जी जी मारे गए 16 जवान हमारे कील चुभो चुभो के, बातें बहुत है लेकिन छोट मुंह बड़ी बात होगी, इसलिए सारा पर्दाफाश करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि देश में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, अधिकार है हमें बोलने का, सवाल करने का, हमने सरकार बनाया तो सरकार से हम सवाल कर सकते हैं जी। अब रहा सवाल आपके बिपिन रावत जी का जी। बिपिन रावत जी बड़े ही शक्तिशाली और जीवट के बड़े मजबूत व्यक्ति थे और इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर में जी। जिस हेलीकॉप्टर से देश का पीएम भी सफर करता है जी। सुरक्षा की दृष्टि से उस पूरे हेलीकॉप्टर को इतना पुख्ता बनाया गया है कि बड़ी से बड़ी जी। समस्या को हेलीकॉप्टर झेलने मैं सक्षम था, लेकिन देश का इतना महत्वपूर्ण शक्ति जिस हेलीकॉप्टर में सवार हो रही है जी। इतनी धड़ से वो क्रैश हो गया जी। वो भी सुरक्षित नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है और अब तक इस पर कोई पुख्ता सरकार ने सबूत नहीं दे पाया जी। और ना ही सरकार दे पाएगी। यहाँ एक सांस है मेरे दिमाग में भी, पीएम मोदी जी तो बोल रहे हैं कि इस पे जांच हो रही है, तो जांच तो कूले पर करावाते हैं जी। वो तो सब पर जांच करवाते हैं लेकिन उनके जांच का कोई मतलब अब तक बाहर निकलता नहीं है जी। अगर कोई पिछड़े समाज का मामला हो, एससी एसटी ओबीसी का मामला हो जी, तो अब तक इनकी जांच फरिया गई होती। पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें एक जांच हुआ तो उसमें डीएसपी एक था। मत कहिए, ये कहेंगे तो आप दोषी। यहाँ तो देश की मीडिया बिक चुकी है जी। आज सोशल मीडिया से जो बात देश की जनता के सामने हम लोग रखने का प्रयास करते हैं जी। इस देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो सबसे ज्यादा घबरा गया है, वो भी इनके साथ मिलकर के देश बेचने पर एकदम आमादा है। एक भी खबर आपकी सही नहीं दिखा सकते हैं, आपको अपने खबर से भी भ्रमित करते हैं। इस देश का व्यक्ति मजदूर समाज है, किसान समाज है, इतना ज्यादा न पढ़ा है न इतना ही ज्यादा चतुर चालाक है, वो बेचारा जो सुनता है वही लेकर के दौड़ पड़ता है। अभी इस समय आप देखे होंगे फ्री में राशन दे रहे हैं जी। अब उसमें फ्री में रिफाइन दे रहे हैं जी। उस पर माननीय पीएम जी और माननीय सीएम जी की फोटो आ रही है जी।
उसके बाद में नमक आ रहा है उस पर भी फोटो, झोला आ रहा है उस पर भी फोटो, शौचालय पर भी फोटो। ये क्या साबित करना चाहते हैं? विज्ञापन कर रहे हैं लोग। ये विज्ञापन अपने आप को साबित कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में हमारा चेहरा बना रहे, क्योंकि इस देश का 85 मूल निवासी समाज 50% तो पढ़ा लिखा भी गधा है जी। जो हम कहेंगे उसी के पीछे दौड़ता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे समाज को कभी फ्री में राशन मत देना जी। क्योंकि हमारा आंदोलित समाज है, दलित समाज जो है ये आंदोलित समाज है, पिछड़ा समाज जो है आंदोलनकर्ता समाज है। जब इसे फ्री में राशन, फ्री में खाना, ते फ्री में खा के दिन बर्तास खेलेगा रोजगार के लिए, ये कभी आंदोलन नहीं कर सकता जी। अब इनको पहले फ्री में खिला के इन्हीं का पैसा जी। ऐसी बात नहीं कि अपने घर से खेती कर रहे हैं मोदी जी चाहे माननीय योगी जी कि काट के अपने खेत से ला करके सबको बांट रहे हैं। इसी देश के जनता के टैक्स का पैसा, इसी देश की जनता पर महंगाई लाद करके उसका पैसा लेकर के बांट रहे हैं जी। और बांट करके लोगों को आलसी बना रहे हैं कि पहले इनको खिलाते रहो, जब खिलाते रहोगे तो रोजगार के लिए आंदोलन नहीं करेंगे जी। और जब रोजगार के लिए आंदोलन नहीं करेंगे और ऊपर से आज भी मैं सुन रहा हूं बहुत सारे बेचारे मजदूर वर्ग जो अरे भैया जे नमक दे था ओकर नमक खा के नमक हरामी कैसे कह जाए, वो नमक नहीं दे रहा है, वो जहर दे रहा है, आपके भविष्य को इतनी बुरी तरह से ये लोग खत्म कर रहे हैं, इस चीज को समाज समझ नहीं पा रहा है। तो मैं माननीय बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के सेना नायक अगर हमारे देश में रहेंगे, सेना के अध्यक्ष रहेंगे जी, तो भारत देश की सदैव सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन इस तरीके के लोग रहेंगे तो जी, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में भी हैं जो मैं कहना नहीं चाहता हूं जी। लेकिन पूरा देश आहत है आज।